This video is sponsored by V-Card. राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है और इस बार हाड़ौती विधानसभा क्षेत्रों पर जहां 17 विधानसभा की सीटें हैं वहां सबकी नजरें हैं। कोटा को राजस्थान का सबसे मशहूर शहर कहा जाता है, अध्ययन का केंद्र है, 2 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन कोटा कितना बदलना बाकी है और उसमें राजनीति की क्या भूमिका है, ये माहौल जानने के लिए न्यूज 24 कोटा में है। हम लोग भाई साहब दिल्ली से हैं तो ये पूछ रहे हैं कि कोटा, बारा, अन्य जगहों पे बहुत सारे चुनाव होने हैं, तो इस बार इधर आसपास का माहौल क्या है ये जानने के लिए हम लोग। देखिए, वोटर बिल्कुल साइलेंट है, इस बार वोट कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है ये वो लोग जानते हैं, लेकिन माहौल सब अपने अपनी पार्टियां अपने अपने हित में कर रही है। और रहा बात राजस्थान का, तो राजस्थान में फिर से कमल खिलने वाला है, ये फाइनल। साइलेंट भी है और आप कह रहे हैं कि कमल खिलने वाला है, क्योंकि क्या है यहाँ राजनीति, यहाँ पे हर बार राजस्थान में तो वही रही है कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। अच्छा, ये रिवाज है बदलने का, सिस्टम है यहाँ का बदलने का। रियली लाइक इट। स्टेबिलाईजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबिलाईजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबिलाईजर के साथ। वी गार्ड, इंडिया नंबर 1 स्टेबिलाईजर। तो इस वजह से कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कंफर्म में आएगी इस बार। कौन से इलाके से हैं? मैं कोटा से हूँ। कोटा से लो। कौन सा, उत्तर या दक्षिण? दक्षिण में, दक्षिण रामगंज मंडी साइड से हूँ। दक्षिण, दक्षिण में रामगंज मंडी पास ही आती है अपनी। तो आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी से भी हूँ और नॉर्मली व्यक्ति भी हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही हम वोट देते हैं, कभी व्यक्तिगत वोट भी देते हैं। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि इस कोटा में किसकी वजह से विकास हुआ, क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब विकास हुआ, या ओम बिरला जब यहाँ से सांसद बने, केंद्र में मोदी की सरकार बनी तब यहाँ विकास हुआ। देखिए, विकास अलग चीज होगी, या शांति धारीवाल यहाँ मंत्री रहे उनकी वजह से हुआ सब, अगर उसको माने जाए तो उसको मंत्री रहे तो उनके हाथ में सब कुछ कबान थी, तो वो काम भी किया है। पहले बीजेपी के लोग थे, नेता थे, तो उन्होंने भी काम किया है, काम अपने अपने क्षेत्र में सब कर रहे हैं। लेकिन बड़ा विकास करना, अपने हाथ में कलम होना, सब कुछ अपने हाथ में होना, ये कुछ नेताओं के हाथ में होता है। वसुंधरा ने काम कराया, काफी काम कराया, गहलोत जी ने काम कराया, बहुत अच्छा कराया, सभी काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहा, सबने करा, बहुत काम किया। धारीवाल ने कोटा के अंदर, धारीवाल ने, शांति धारीवाल जो मंत्री हैं, बहुत काम किया। अभी तो बोल रहे थे लोग कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है भाई, हम तो रेलवे कर्मचारी है, हमें किसी को मतलब नहीं है, हम तो रेलवे कर्मचारी बरक्षाम में सर्विस करते, चाय पीने आते। अच्छा, बाकी हम धारीवाल को 2012 से हम देख रहे हैं, धारीवाल ने विकास बहुत किया है, बहुत किया है कोटा के अंदर। 2013 से अभी तक हम देख रहे हैं, जब से हम कोटा में आए बहुत विकास हुआ है, उसके पहले हमने देखे रोड सड़कें कुछ भी नहीं थी। धारीवाल ने कोटा को, यहाँ के वोटर हो? नहीं, हाँ यहाँ के वोटर है। अच्छा, हाँ एमपी के रहने वाले, बाकी धारीवाल ने कोटा के अंदर विकास किया। और कितना साल से हो यहाँ कोटा में? हम 2013 से, अभी मेरे को 10-12 साल हो गए। रेलवे में है कर्मचारी? हाँ। अच्छा, तो धारीवाल ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, स्टेशन क्षेत्र का विकास किया है, सिटी के अंदर देख लो आप। अच्छा, हाँ पूरे गंदगी थी जो सारा शहर को जो चमन कर दिया, आज कोटा के अंदर बिल्कुल विकास हुआ, धारीवाल ने चमन किया है, इस चीज को मारते हम। कोचिंग स्टूडेंट खुश है, बाहर का आदमी आता है स्टेशन क्षेत्र में 2-2 बजे रात में यहाँ घूमता रहता, कोई परेशानी नहीं रहती है, शांति है बिल्कुल। आ जाओ भैया, आ जाओ अभी। आप कहाँ से भाई साहब? ओ भैया, ओ भाई साहब, अरे आओ यार, कहाँ से आप? सर मैं तो कोटा से हूँ। कोटा से हैं, क्या करते हैं? मेरा सर बिजनेस है। बिजनेस क्या चीज का? प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब ये प्लॉट वगैरह सेल आउट करना है इनका। प्लॉट का पहले से दाम बढ़ा है या कमा है, मार्केट वैल्यू? ठीक है सर, जैसा है जैसा है, चल रही है दाल रोटी अपनी। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे बढ़ा, ये सरकार कांग्रेस किया इतना बूम किया या बीजेपी थी तब बूम किया? नहीं, बूम तो किया सर, थोड़ा सा डाउन हुआ था, फिर वापस से अब चलने लगा है। बीच में कोरोना के टाइम तो कोविड की वजह से हुआ है, सरकार का इसमें कोई लेना देना है नहीं सर। नहीं है, नहीं नहीं, वो तो कोविड की लोग घूम रहे थे जो है ना, उसकी वजह से दिल्ली से राजस्थान घूम रहे हैं कि भाई कौन होगा मुख्यमंत्री, कोटा में क्या होगा, तो क्या माहौल है कोटा का आप लोग जब? सर हमारे राजस्थान का तो रिवाज है सर, अल्टरनेट रिवाज है हमारा, तो
फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस बीजेपी। पिछली बार आप कांग्रेस थी तो अब की बार देखो बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी का। हाँ, बाकी हम लोग सब भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते कि भाई जीतेगा। अरे आपके घर में वोट तो देते होंगे ना? लोग पूछते हैं कि शांति धारीवाल का देखे बहुत यहाँ जगह जगह पोस्टर था, लोग कहते हैं कि ओम ओम बिरला। नहीं, इस एरिया में नो डाउट से जो काम कराया वो धारीवाल जी ने करवाया है, और धारीवाल जी ने काफी अच्छा काम भी किया है इस एरिया में, तो इस एरिया को मतलब एकदम से चमका दिया है। पर जो अब वो जो है सर, वो तो देखो राजनीति है, क्या होता है क्या क्या नहीं होता वो तो आपको मोहल्ले में। आपका तो बीजेपी का गढ़ है दक्षिण वाली सीट, जहाँ आप रहते हैं। दक्षिण नहीं सर, मैं तो यही स्टेशन पे रहता हूँ मैं तो। अरे चाहिए आप बताओ ना, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जाहिद है। जाहिद भाई आप इधर ही रहते हैं? हाँ इधर ही रहते हैं। दो चाहे ऑटो वाले तो बड़ा आप लोग कांग्रेस के समर्थक दिख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो विकास देगा और जो अच्छा शांति वातावरण रखेगा उसके साथ हैं। दिल्ली में हम लोग देखते हैं ऑटो वाले केजरीवाल को जपते हैं और यहाँ शांति धारीवाल को। बहुत बढ़िया है, केजरीवाल जी भी बढ़िया है, राजस्थान सरकार बहुत बढ़िया है, अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया है। अरे तो अभी तो लोग कुछ कह रहे थे कि धारीवाल जी ने इतना भ्रष्टाचार किया रिवर फ्रंट में। ऐसा कुछ नहीं है, काम करेंगे तो खाएंगे भी सही, वहाँ के घर से लाके लगाएंगे क्या, पैसा भी तो कमाएंगे ना वो भी तो। अच्छा, ये तो लोगों की सोच है, करोड़ों लगाएंगे तो लाखों कमाएंगे भी सही, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये राजस्थान में तो हर बार 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस बार फिर वापस कांग्रेस सरकार, फिर कांग्रेस सरकार। अरे यार तो शांति धारीवाल अकेले जी जाएंगे तो थोड़े सरकार बनेगी। नहीं, पूरे राजस्थान की कह रहे हैं हम, पूरे राजस्थान की। इधर से तो शांति धारीवाल जी तो जीत ही रहे हैं, राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार। आप यहीं से भैया? आप ही ऑटो चलाते हो? जी जी। सब ऑटो वाले आप लोग लगता है धारीवाल के समर्थक? धारीवाल जी ने जरूर काम करवाया, कोटा का विकास करवाया। बाकी सरकार मोदी जी की रहना चाहिए। सरकार मोदी जी की रहना चाहिए, बिल्कुल राइट। और विधायक धारीवाल को होना चाहिए? नहीं, धारीवाल जी ने कोटा का विकास कराया, लेकिन धारीवाल को जिताना नहीं। जीतेंगे वो तो, धारीवाल जी तो जीतेंगे। जब वो कभी धारीवाल जी ने काम करवाया तो जीतेंगे, लेकिन सरकार मोदी की बनेगी। हाँ, सरकार मोदी जी की रहेगी। तो मोदी तो देश के प्रधानमंत्री, देश का मोदी जी ने मजा ना दिया, मजा आ गया। बहुत अच्छा मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आप भी किसके समर्थक हो? धारीवाल जी के। अच्छा, यहाँ सब धारीवाल जी के ही समर्थक हैं। आप भाई साहब, आप कहाँ से? उत्तर से। क्या है, यहीं से? कौन, उत्तर या दक्षिण से? उत्तर से। ये सब सब धारीवाल जी के मतदाता हैं? हाँ, धारीवाल जी के मतदाता। राज्य में सरकार, राज्य में सरकार कांग्रेस की बनेगी, केंद्र में बीजेपी की बनेगी। राजस्थान में तो गहलोत जी बैठे हैं। राज्य में कांग्रेस की बनेगी, केंद्र में बीजेपी की बनेगी सर। राज्य में तो, राजस्थान में तो 5 साल बार यार हर बार सरकार बदल जाएगी ना। सर इस बार अच्छा काम कराया है, इसलिए बार कांग्रेस की सरकार आएगी, वापिस वापिस आएगी, वापिस आएगी सर। अच्छा, यहाँ तो ओम बिरला दिल्ली में है यहाँ से, और 10 साल से एमपी भी कोटा स्मार्ट सिटी में है, तो इससे काम तो बहुत जरूर आएगी, वापिस कोटा में जरूर आएगी। अच्छा, तो इस बार माहौल क्या है? इस बार सिटी में है सर कोटा। नहीं, इस बार का सिटी का माहौल क्या है? सिटी का माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस की अच्छा काम करवाया सर कांग्रेस ने। कांग्रेस यार, ये बीजेपी वाले लोग कम मिल रहे हैं। आप लोग भाई, आप बाहर से हो? बोलो यार इनसे। क्या से चाचा? नमस्ते। हम लोग दिल्ली से हैं, हम लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है आम लोगों से। आपकी तो चाय की दुकान है, कितने सालों से चाय बेच रहे हैं आप? तो 50 साल से बेच रहे हैं यहीं पर, इसी स्टेशन के बाहर। पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है। एक बात बताइए, 50 साल से बेच रहे हैं, तो धारीवाल जी तो 5 साल से ही विधायक है ना? 15 साल हो गए उनको। 15 साल से विधायक है वो? 15 साल से नहीं, एक बार बीच में लिए थे, उसके पहले थे। अरे एक बार हारे भी तो वो तो चलता रहता, हर जीत तो। ये बताइए, चाय वाला तो पूरे देश में बीजेपी का समर्थक है, आप कहाँ से है ना? क्यों नहीं है, अपने 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 विचार होते हैं। धारीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। ओम बिरला कहते हैं कि कोटा को उन्होंने सुंदर चकाचक बनाया, उन्होंने बढ़िया बनाया। बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया? अब फिलहाल तो कांग्रेस ने बनाया, अभी तो इसके पहले खराब था ये वाला। बढ़िया था पहले भी, और सुंदर बना दिया ना। किसी चीज को देखने के बाद उसको सुंदर बनाया जाए, वो सबसे बड़ी बात होती है। देख तो सभी आपके चाय की दुकान पर तो इतने सारे लोग आते होंगे, तो किसका माहौल चल रहा है इस शहर में? यहाँ तो धारीवाल जी का ही है पूरा इलाका। हाँ, ये वाला इलाका है या का इलाका है? अच्छा,
धारीवाल जी यहाँ से पक्के हैं इस इलाके से। प्रहलाद गुंजल, प्रहलाद गुंजल की भी है, उनकी भी है, समता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका पक्का है इधर पूरा। अच्छा एक बात बताओ, इधर लोग पूछ रहे हैं कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो इस इलाके में बहुत काम हुआ, इस बार वो चुनाव लड़ रही है लेकिन प्रचार करने नहीं निकल रही है, तो वसुंधरा राजे को लेकर कुछ है आप लोगों में? वसुंधरा राजे को लेकर तो झालावाड़ की है, यहाँ क्या लेने आएगी, वो बहुत कम आती है, आती ही नहीं है, यहाँ क्या लेने आएगी? तो कह रहे हैं वहाँ कराएगी काम, वो हमारे यहाँ कराएगी काम। आप बताइए, अपने घर को सभी देखते हैं। आप ऐसा पहला चाय वाला मिलो जो कांग्रेस के समर्थक हो, बीजेपी के नहीं हो। तो देखिए माहौल क्या है, आप कोटा से देख रहे हैं, कोटा जो राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कोटा लोकसभा की सीट में 6 विधानसभा की सीट है, 2018 में 6 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 3 कांग्रेस के कोटे में गई थी। इस बार टिकट का बंटवारा हुआ, शांति धारीवाल को आखिरी वक्त में टिकट मिला, हालांकि आखिरी वक्त में वो चाहते थे कि उनके बेटे को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान और अशोक गहलोत के बीच में शांति धारीवाल फंसे हुए थे, आखिरी वक्त में उनका टिकट हुआ और अब वो चुनावी मैदान में हैं। कोटा का माहौल क्या है आपको न्यूज 24 दिखा रहा है, कुछ और गली से, कुछ और चौक चौराहे से आपको दिखाएगा कि कोटा के राजनीति में इस बार कौन किस पर भारी है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड।